नगरपालिका परिषद मसूरी द्वारा बनाए जा रहे भवनों पर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की और इन भवनों को सील कर दिया। सीलिंग की यह कार्रवाई उप जिलाधिकारी के निर्देश के बाद की गई। पिक्चर पैलेस बस स्टैंड पर बनाए जा रहे आवासीय भवनों पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 भवनों को सील कर दिया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के साथ मसूरी पुलिस और नायब तहसीलदार की मौजूदगी में भवनों को सील कर दिया गया। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि ये जो नींव रखी गई थी ओपी नियाल जी जब नगर पालिका अध्यक्ष थे तब इसकी नींव रखी गई थी। आज 4.5 साल से इसमें तकरीबन सारा ही काम हुआ है और अच्छा काम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आज 4.5 साल बाद सारे युवाओं को इसकी याद कैसे आई सीलिंग की, ये सवाल है मेरा। तो विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि संयुक्त सचिव के निर्देशों के बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि पूर्व में नगर पालिका को नोटिस जारी कर दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी निर्माण कार्य जारी रहा। इसके बाद विभाग को सीलिंग की कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं नायब तहसीलदार राजेंद्र रावत ने बताया कि उप जिला अधिकारी के निर्देश के बाद सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। ये उप जिला अधिकारी महोदय के तहसील अधिकारी के निर्देश पर है सीलिंग कार्रवाई की। जैसे जैसे संज्ञान में आती रहेंगी एमडीडी की, उसमें कार्रवाई करते हैं। जैसे कि आप सब लोग को विगत है, ये मैसोनिक लॉज का मामला काफ़ी समय से इसका वाद पीटासीन महोदय के अधीनस्थ चल रहा था, जिसमें आज सुनवाई के दौरान ये निर्णय लिया गया कि जो कार्य किया जा रहा है उसको तत्काल रूप से सील कर दिया जाए। तो इसी के अनुपालन में आज पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है पुलिस बल के साथ और ये कार्रवाई हमने की है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।